राधे राधे दोस्तों, मैं सुनील यादव बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विशेषज्ञ एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर, जो आपके लिए स्पेशल क्लास है। और इस क्लास का जो मोटिव्स है, इस क्लास का जो उद्देश्य है, वो है आपके जो रिसेंटली एमपी टेट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ामों को टारगेट करना, जिसमें मैंने स्पेशली फॉर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीडीपी का एक स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके करने हैं। इसमें मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, तो एमपी टेट का जो आपका एग्ज़ाम है, जो वर्तमान में जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है, उनके लिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज़ है। इसे वर्ग तीन के लिए स्पेशल रखा गया है। और आज आपको जो है होलिका दहन की, यानी कह सकते हैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और इतने सारे रंग भर दे जीवन में, कि सारे रंगों से आपकी अब तक की जो जीवन जैसा गुजरा, वो बेरंग भी रंग से लगने लगे। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। त्यौहार के दिन भी अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो समझ सकता हूँ कि आप कितने सिंसियर बच्चे हैं। और सलाम है इस बात का आपको कि आज यानी 18 तारीख को भी आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। त्यौहार के दिन दुनिया खेलती है, आप क्लास को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कर दीजिए कि आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चे, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज क्या लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है मोटिव्स, क्यों है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना क्या क्या समझना है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, है ना, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, इससे आपको फैक्ट समझने हैं, इससे आपको बहुत सारे वर्ड्स समझने हैं, है ना, इससे अप्रोच समझनी है कि क्वेश्चन को कैसे, है ना, इससे ये समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अप्रोच समझनी है। तो आपको समझ विकसित, अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं, तो आप उन क्वेश्चनों को आसानी से बना पाएँ, ऐसा आप कर पाएँ, इसके लिए मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे भी लाइव आ चुके हैं, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना भी कर सकते हैं क्लास को शेयर करिए, ताकि इस क्लास में, हालांकि मैंने आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखा, क्योंकि त्यौहार है, थोड़ा सा आप जो है टाइम घर पर भी बिताएंगे, है ना, तो मैंने कम ही रखा, एक घंटे का सेशन रखा है आज का, बहुत लंबा सेशन नहीं है, है ना, एक घंटे का सेशन रखा है, जिसमें एक लिमिटेड क्वेश्चन सीरीज आपके सामने है। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है और आप इतने ही शिद्दत से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो भी आपको राइट आंसर लगता है, आप इसका राइट आंसर लगाइए। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, आपकी कक्षा में आपके बच्चे जो हैं, आपके बच्चों की समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, मतलब आपकी भूमिका तय करनी है कि आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, बताइए आपको क्या लगता है। बच्चों का बौद्धिक विकास करने में भूमिका होनी चाहिए, बच्चों का गृहकार देने में भूमिका होनी चाहिए, बच्चों को दंड देने में भूमिका होनी चाहिए। तो याद रखना, बच्चों का बौद्धिक या सर्वांगीण विकास करने में आपका सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था, उसका सिंपल से जटिल, यानी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हैं, सब टाइप के क्वेश्चन आपके सेशन में है। तो आपका ये रहा पहले का राइट आंसर। तो आज का सेशन सिंपल से शुरू करते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन प्याजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया, है ना, जीन प्याजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया, बताइए जीन प्याजे ने कौन सी विधि को नैतिक विकास के अध्ययन के लिए अपनाया, है ना, नैतिक विकास के अध्ययन के लिए जीन प्याजे ने किस विधि को अपनाया, मतलब कौन सी विधि का उपयोग किया जीन प्याजे ने, ठीक है, जीन प्याजे ने कौन सी विधि का उपयोग किया। बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन प्याजे की कौन सी विधि को अपनाया, तो याद रखना जीन प्याजे ने भी नैतिक विकास को समझाया, किसको समझाया, नैतिक विकास को समझाया है जीन प्याजे ने भी आपके नैतिक विकास को समझाया है। और इन्हें नैतिक वास्तविकताओं, नैतिक सापेक्षताओं का जनक कहते हैं, इन्हें नैतिक वास्तविकताओं, है नहीं, नैतिक वास्तविकताओं, नैतिक वास्तविकताओं और सापेक्षताओं का जनक कहते हैं,
और सापेक्षताओं का जनक कहते हैं, और सापेक्षताओं का जनक कहते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन शायद किसी और सेशन में भी आया होगा। तो ये आपका राइट आंसर है साक्षात्कार। इन्होंने क्या किया, बच्चों के इंटरव्यू लिए, बच्चों के व्यवहार का अवलोकन किया, अवलोकन किया और बच्चों के व्यवहार का इंटरव्यू भी लिया इन्होंने। बच्चों का क्या लिया, इंटरव्यू लिया, जाना, तब बताया कि बच्चे दो तरीके से सोचते हैं, दो तरीके से बच्चे सोचते हैं, या तो स्वयं के विचारों के आधार पर या दूसरों के विचारों। जब दूसरों के आधार पर सोचें तो स्वायत्त नैतिक परायत्त नैतिकता की अवस्था, जब स्वयं के विचार के आधार पर सोचें तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कही जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो भी राइट लगता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं किस अवस्था में विकसित होती हैं, है ना। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपको कई क्वेश्चन तो रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। तो आप समझ लीजिए कि अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके क्वेश्चन का जो सेशन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाओं के विकास किस अवस्था की ओर इंगित करता है, तो ये आता है किशोर अवस्था में ये भावनाएं विकसित होती हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, या मेरे अंदर जो खासियतें हैं मैं अपनी विशेषताओं को अगर जानूँ। यानी कि आपका जो बच्चा है उसमें तादात्म्यकरण का गुण विकसित हो जाता है। कौन सा, तादात्म्यकरण का गुण विकसित हो जाता है। तादात्म्यकरण का मतलब होता है, तादात्म्यकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे, आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब हम किसी को आइडियल मानकर उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, किसी को आइडियल मानकर हम उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर माना जाएगा। अब रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये रहा बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, है ना। शुरुआती जो दिन है, है ना, शुरुआत में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब जो शुरुआत में बच्चे को किस प्रकार की भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, या विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए, धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, बताइए। तो आपको इसका राइट आंसर क्या लगता है, इसका राइट आंसर है भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए, अच्छे शिक्षक का निम्न में से क्या उद्देश्य होना चाहिए। जो भी आपको राइट आंसर लगता है, सृजनात्मक प्रक्रिया में विश्वास करना, सृजनात्मक प्रक्रिया अच्छी होती है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, अपने जीवन को अधिक सुंदर व सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना, सभी धर्म जाति वालों में समानता का व्यवहार करना। तो सबसे मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आपका मेन उद्देश्य पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। तो इस किससे जुड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जुड़ा है आपके किससे, तो आपको बताना है जीवन के मूल्यों से जुड़ा कॉन्सेप्ट है, जीवन के मूल्यों से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, बाल केंद्र शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा स्वरूप नहीं होना चाहिए, मतलब अगर बाल केंद्र शिक्षा है तो कैसा स्वरूप बालक का नहीं होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ को महत्व तो नहीं देना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। बाल केंद्र शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप, पूर्व ज्ञान पर आधारित, या वातावरण के अनुकूल। जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, है ना, राइट आंसर लगा सकते हैं। हाँ जी, क्लास को शेयर करते जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो देखो कैसा नहीं होना चाहिए, देखो नहीं शब्द को ध्यान रखना है, अगर नहीं शब्द को ध्यान नहीं रखना तो अगर रखा तो आपका सबसे पहले ही आंसर हो जाएगा। लेकिन पहला क्यों, देखो लचीला होना चाहिए, मतलब बाल केंद्रित ऐसी हो कि जिसमें बालक की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकें, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, बिल्कुल सही बात है, वातावरण के अनुकूल हो, ये भी सही बात है, लेकिन इसका कौन सा, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। केवल पैसा कमाने के लिए शिक्षा मूल आधार नहीं बनती, यानी पैसा आपका मूल नहीं है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी, इसमें नहीं के अकॉर्डिंग पूछा गया तो नहीं के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर आपका बन जाएगा।
ये आंसर आपका बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? नैतिक विकास के कोहलबर्ग ने तीन लेवल बताए हैं। उन लेवलों के अंतर्गत 6 अवस्थाएं बताई हैं, यानी हर लेवल की एक एक अवस्था भी बताई है। तो कितनी अवस्थाएं? तो आपको देखो, सबसे पहला होता है नैतिक विकास का पहला चरण होता है दंड एवं आज्ञाकर्ता की उन्मुक्ता की अवस्था। ये कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का पहला क्या होता है? भाग होता है, है ना, दंड एवं आज्ञाकर्ता के पालन की अवमुक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञाकर्ता की उन्मुक्ता। तो चलिए इसमें से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, जब आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 10 को नेट पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उल्टे बटनों से देखो, 10 को क्या पढ़ रहा है? नेट पढ़ रहा है। 10 को नेट पढ़ रहा है, देखो उल्टा पढ़ रहा है, NTEN हो रहा है, NET कर रहा है। सा को ये सा लिखा है, इसको वॉज पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है बच्चे? इसको वॉज पढ़ रहा है। तो अगर ऐसा पढ़ता है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहलाएगा आपका डिसलेक्सिया। क्या कहलाएगा? डिसलेक्सिया कहलाएगा, डिसलेक्सिया इसका कहलाएगा। देखो डिसकैलकुलिया होता है मैथ के लिए, अफेजिया होता है मौखिक रूप से बोलने में सक्षमता, ये पढ़ने में अक्षमता, ये अफेजिया डिफेजिया है ना, अमेफिया क्या लिखा है, ये गलत टाइपिंग है ना, अग्रेफिया हो सकता है ना, अग्रेफिया, अग्रेफिया लिखने से संबंधित है, अग्रेफिया है ना, अग्रेफिया। तो आपका राइट आंसर हो गया क्या? ये अब देखें क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन कराए जाए, है ना, प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन कराए जाए, कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल भी हैं, कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी हैं, तो आपको जो भी राइट लगता है आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। आपके सामने एक शानदार सा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट को देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। मैंने हर टाइप का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पढ़ाया है, अब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते जाइए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए, आप ऐसी स्थिति में क्या करें? उन्हें डांट देंगे पढ़ने में मन नहीं लगता और इन्हें ये नहीं करना आपको, उन्हें चश्मे का प्रयोग करने की सलाह देंगे ये भी नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे श्यामपट उन्हें दिखे, उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये सबसे उत्तम है। और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आप सवे उड़ा दोगे, 30 में 30 लगा दोगे, है ना। हम तो आपको एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि, शिक्षा की जो पाठचर्या है वो बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, पाठचर्या सामाजिक निर्देशों का पालन करता है। तो आपको क्या राइट आंसर लगता है? आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, बताइए। पाठचर्या बदलती रहती किसके अनुसार? भाई देखिए, समाज में जैसे मान लो आज से पहले आज़ादी के पहले की शिक्षा ही बात करें तो उस समय शिक्षा किस लिए ज़रूरी थी? मूल्यों के विकास के लिए। जब हम देश आज़ाद हो गया तो शिक्षा के मूल्य बदल गए। जब आप वर्तमान शिक्षा देखें तो समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं ना वो शिक्षा का आधार बनती हैं, तो समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। समाज की क्या बदलती रहती हैं? समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने से क्या तात्पर्य? मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन, बताइए। इसमें से सबसे सीखने से क्या तात्पर्य? हालांकि ये सभी मिलते जुलते हैं पर इनमें से सबसे राइट आंसर आपको क्या लगता है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आए सामान्यतः स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। आपके व्यवहार में जो इफेक्टिव चेंजेस आते हैं, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो व्यवहार के कारण अगर आते हैं
तो हम उसका आधार अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, सीखना कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिक्षार्थी को स्कूल लेवल, स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनका बीज बोता है। मतलब क्या है, आप पढ़ो, विद्यार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि सामाजिक मूल्य, सामाजिक संज्ञान, उसके बारे में समझ, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर आपको क्या करता है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, किसकी जानकारी आपको देता है, ये आपका राइट आंसर क्या होगा। आपको जो भी राइट आंसर लगता है आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपको जो भी राइट आंसर लगता है। देखो याद रखना है, ये स्कूल है आपको एक सामाजिक प्राणी बनाता है, क्योंकि जॉन डीबी ने स्कूल को भी समाज का एक लघुत्तम अंग माना है। क्या माना है बच्चे, लघुत्तम अंग, यानी कि एक इसका पार्ट माना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें समाजीकरण, क्या हो जाएगा इसका, समाजीकरण। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देता है, ये किससे जुड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपका ये राइट कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, ये राइट कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर, और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है, सीखने वाले का जो स्वनियमन है वो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है इसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के द्वारा विनियमन का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर, अनुवीक्षण मतलब सुपरविजन करने पर। तो आपको इनमें से कौन सा राइट आंसर लगता है, जो भी राइट आंसर लगता है आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। सीखने का स्वनियमन निर्भर करता है, सीखे गए ज्ञान का सुपरविजन, यानी सीखे गए ज्ञान का क्या करना, परीक्षण करना, उसको सुधारना, उस पर जांच करना, उसके बारे में पता लगाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डी आंसर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करना, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करना, तो आपका राइट आंसर यही माना जाएगा, आपका राइट आंसर यही माना जाएगा। तो अब देखते हैं इससे आगे क्या आपका सही आंसर रहेगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है स्कैफोल्डिंग, बताइए स्कैफोल्डिंग किस चीज़ को दर्शाता है। स्कैफोल्डिंग एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है स्कैफोल्डिंग किसको दर्शाता है। हाँ जी, यही क्वेश्चन है जो आप सुन रहे हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग, ये शब्द दिया गया है स्कैफोल्डिंग, और आप जैसे ही स्कैफोल्डिंग सुनते हो, जैसे ही आप स्कैफोल्डिंग सुनते हो, तो आपको याद रहना चाहिए कि आपके दिमाग में वायगोत्स्की आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए, वायगोत्स्की जी आपके इसमें आ जाने चाहिए। जैसे ही ये वायगोत्स्की सिद्धांत आपके जहन में आता है, तो आपको लगता है जो सहयोग की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, कोलोबरेटिव टीचिंग की बात करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से सीखने की बात करते हैं। जब बालक को हम अस्थायी या क्षणिक सहयोग देते हैं, अप्रत्यक्ष सहयोग देते हैं, किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसका सहयोग करते हैं, ऐसे तरीके से करते हैं जैसे दोबारा उसके सहयोग की जरूरत आप उसे ना पड़े और वो स्वयं से कार्य करना सीख जाए। स्कैफोल्डिंग का मतलब पाड़, ढांचा, जो वर्तमान परिस्थितियों के ढांचे में फिट हो जाए, ऐसा सहयोग कहलाता है स्कैफोल्डिंग। तो अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियाँ, सीखने में वयस्कों द्वारा की गए अस्थायी सहयोग, पूर्व ज्ञान में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री का ज्ञान। तो आपको बताइए क्या आपको राइट आंसर इसमें से कौन सा लगता है, जो आंसर आपको राइट लगे आप उसका आंसर वो लगा सकते हैं, आप उसका वो आंसर लगा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर खुद ही खुद कह रहा है हम आपके हैं कौन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ा जाए ना, तो क्वेश्चन खुद बताता है कि मैं ही आंसर हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और पेपर में शिद्दत के साथ लगा के आओ। मुझे लगता है कि आपकी एक दो क्लासें और लूँगा इसके बाद में, क्योंकि अब तो बहुत सारी मैराथन आपकी हो चुकी हैं,
है ना, तो कुछ ही क्लासें और लूँगा अगर आपकी नीड रहेगी तो। अगर आप कमेंट द्वारा ये बताएंगे कि क्लास और चलानी चाहिए, पेपर आपके कब कब हैं, तो कमेंट द्वारा अगर आप बताते हैं तो मैं देखूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों की अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, वास्तविक सतत आकलन की व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या रहेगा बताइए, आपका राइट आंसर कैसा रहेगा? तो समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना होता है, अगर नहीं है क्वेश्चन में लगा है तो ये पूरे क्वेश्चन के सेंटेंस को ही बदल के रख देता है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है। जब सेंटेंस ही बदल जाएगा तो आपको शिद्दत के साथ ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें है क्या वास्तविक बात। तो देखिए, समावेशी शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है जिसमें सभी, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं, सभी की ज़रूरतों को ध्यान में जिसमें रखा जाता है, वो शिक्षा आपकी कौन सी शिक्षा कहलाती है? वो आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है शिक्षकों द्वारा मित्रवत आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग करना, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्री, या वास्तविक सतत एवं विधियों की व्यवस्था। तो नहीं शब्द पूछा है तो इसका ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, यानी कि सब ज्ञानी ज्ञानी बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं है तो यही आंसर है। समझ गए ना आंसर क्यों है? कमेंट करते रहिए आंसर द्वारा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। तो जो भी आपको राइट लगता है, आपको जो भी राइट लगता है आप बता सकते हैं, ठीक है? आपको जो भी राइट लगता है आप बता सकते हैं। केवल क्लास एक घंटे की, सब लोग क्लास में रेगुलरली क्लास को देखें और शेयर करना आपको ना भूलें, शेयर करते रहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थी में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सैद्धांतिक गुणों को अगर हम किसी के माप रहे हैं तो वो क्या कहलाता है बताइए? सैद्धांतिक गुणों को या किताबी ज्ञान को या दुनिया जैसे बताती है वैसी चीज़ों को अगर हम परंपरागत ढंग से सीख रहे हैं, सैद्धांतिक गुणों को माप रहे हैं, तो याद रखना अवसारी वैधता होगी। अवसारी का मतलब होता है ऐसी वैधता जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है बताइए? वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, आपको जो भी लगता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं बताइए, कब पहचानने लगता है? तो याद रखना इसका सही आंसर तो होता है अगर इसमें दिया हो तो 18 से 24 माह की अवस्था में, क्योंकि ये शब्द जुड़ा है वस्तु स्थायित्व से। कब से? वस्तु स्थायित्व से, वस्तु स्थायित्व से ये वर्ड जुड़ा है, वस्तु स्थायित्व से ये वर्ड जुड़ा है, वस्तु स्थायित्व से, है ना, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस से जुड़ा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस से जुड़ा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस से जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक अवस्था। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है प्रॉब्लम तो आगे चलते हैं, एक शानदार सा सेशन आपके सामने है और संवेदी प्रेरक अवस्था इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आपके सामने रहा, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, तो किताबें लेता है तथा व्यवहार के ये सभी संगठित क्रम अपनाता है, तो ये किससे जुड़ा है बताइए? ये किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा ये कॉन्सेप्ट, और ये कुछ कॉन्सेप्ट में इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का किससे कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ही आपका राइट आंसर बनेगा
ऐसा आपको समझना है, ऐसा आपको समझना है। प्रत्येक व्यक्ति है ना, क्या लिखा आपने इसमें, जब बालक स्कूल है ना, तो आपको इसमें बताना है कि आपको क्या लगता है जब बालक स्कूल में जाता है तो आपको क्या लगता है। देखो, जब बालक स्कूल में जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस जूता आदि पहनता है, तो किताबें लेता है, तो व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम बता रहे हैं। तो स्कीमा के अंतर्गत आने वाली मानसिक उपिकाइयां स्कीम्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्कीम्स। किसी कार्य को करने के जो अलग अलग ढंग होते हैं तो इसे स्कीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्कीम कहते हैं। यानी स्कीमा के अंतर्गत ही जो धारणा बनी है उसके अंतर्गत अलग अलग पहलू उसके है ना, किसी एक पहलू से जुड़ा ना होकर कॉन्सेप्ट अलग अलग पहलुओं से जुड़ा होता है। जैसे आप इस मार्कर के बारे में जानते हैं कि ये मार्कर है और बोर्ड पर लिखने के काम आता है, लेकिन अगर इस मार्कर के बारे में हर एक बात आप जानने लगो कि कितने रुपए का है, किस कंपनी का है ना, इस कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, तो आप सारी बातें अगर जानते हैं ना इसकी एक एक पक्ष की, तो इसे स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा के अंतर्गत आने वाली उप इकाइयों को हम स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा के अंतर्गत आने वाली उप इकाइयों को हम क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। निम्न में से वह कथन जो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, मतलब ऐसी कौन सी तरीका है जिससे सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है, जो सृजनात्मकता का पोषण करता है, जिससे सृजनात्मकता और बेहतर बनती है, ऐसा कौन सा तरीका है? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा तरीका है जो सृजनात्मकता को और ज़्यादा बढ़ाता है, जो सृजनात्मकता को और ज़्यादा बढ़ाता है? निम्न में से वह कथन जो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के आरंभ से उपलब्ध लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, या अच्छी शिक्षा व्यवसाय के मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। बताइए तो आपको इसमें से राइट आंसर क्या लगता है? जो भी आपको राइट आंसर लगता है कि सृजनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत विभिन्नताओं का पोषण देखो इसमें है, यानी आपके अंदर जो क्षमताएं, अच्छी क्षमताएं हैं उनको और बढ़ावा देना चाहिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए और विशेषताओं को बढ़ावा देना चाहिए, तो आपका सबसे अच्छे, जैसे सृजनात्मकता, मौलिकता, विधायकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, जो आपका ये गुण है, तो आप बता रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन जो विद्यार्थी की सृजनात्मकता को बढ़ाता है, तो उसे किसी कार्य के करने के अगर आप अवसर देते हैं तो विद्यार्थी और ज़्यादा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। इस आधार पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा बन जाता है? ये वाला। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के लिए उपलब्ध अवसर प्रदान करना, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ये वाला। मुझे कमेंट के द्वारा बताओ कि आप ये जो है समझ पा रहे हो नहीं। कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इस ज़्यादा कठिन आए भी नहीं रहे क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन समझ पाओ आप, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पूरे दम से अगर सही तरीके से पेपर करते हैं क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती यदि, मतलब भाषा को कब अच्छा माना जाता है ना, हम किसी भाषा को कब बहुत अच्छा माने, है ना, किसी भाषा को हम कब बहुत अच्छा माने, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जैसे इसमें विचारों और अवधारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, इसमें नए विचार और संभावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलने वातावरण में किसी भी अनुकूलन को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करे, तो अच्छे भाषा अच्छे गुणों के संपन्न तथा सफल मानी जाती यदि, कौन सा तरीका इसमें सबसे बेहतर हो सकता है, कौन सा तरीका इसमें सबसे बेहतर हो सकता है, बताइए कौन सा तरीका इसमें सबसे बेहतर हो सकता है। इसमें विचारों धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो,
या नए विचार और संभावनाओं से उत्पन्न करने, हाँ खुद उत्पन्न कर सके। देखो ये सबसे अच्छा गुण है कि ये स्वयं ही नई अवधारणाओं को, नए विचारों को, संभावनाओं को स्वयं ही सक्षम हो उन्हें उत्पन्न करने में। तो ऐसे नियरेस्ट ऑप्शन तो हैं इसमें, पर इसका राइट आंसर बेटा बी होगा। इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी होगा। यह नियमों, ये नए विचारों संभावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, यह नए विचारों संभावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन बताइए। भाषा के अच्छे गुणों में संपन्न है। भाषा क्या है, अगर बात आ जाए भाषा क्या है, तो आपको बताना है कि ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था जिसके द्वारा एक समूह के लोग अपने समूह के लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? तो ध्वनि प्रतीकों की ऐसी मान्य व्यवस्था जिसके द्वारा एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोगों से विचार विनिमय करते हैं। और भाषा चिंतन का साधन है। भाषा क्या है? चिंतन का साधन है। बिना भाषा के आप चिंतन नहीं कर सकते, बिना भाषा के चिंतन कर पाना संभव नहीं होता। और चिंतन कब शुरू होता है? तो समस्या से चिंतन शुरू होता है। कब से शुरू होता है? समस्या से चिंतन शुरू होता है, और समाधान पर जाते चिंतन समाप्त होता है। किस पर होता है? समाधान पर चिंतन जाके समाप्त होता है। और जब चिंतन करता है तो व्यक्ति मानसिक गत्यात्मक अवस्था में होता है। मानसिक गत्यात्मक अवस्था में होता है। ये मानसिक गत्यात्मकता का मतलब क्या है? कि मस्तिष्क गतिशील अवस्था में होता है या परिवर्तनशील अवस्था में होता है। या कैसा होता है? मस्तिष्क गतिशील या परिवर्तनशील अवस्था में होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप बताइए। तो आपका राइट आंसर तो आपको पता ही अच्छे से क्या है आपका राइट आंसर, ये। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शानदार सा क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं भाषा है ना क्या है। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, तो आपके चिंतन कैसे रखेंगे, मतलब किस में रखेंगे? या तो बिल्कुल सही बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, या उसे बिल्कुल गलत बता रहा है। तो सही और गलत के बारे में निर्णय करना वो जानता है। सही और गलत के बारे में वो निर्णय करना जानता है। सही और गलत के बारे में वो निर्णय करना जानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको राइट आंसर बताना है कि एक विद्यार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, तो आपके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन में, बहुआयामी चिंतन में, या जटिल चिंतन में, या संकल्पनात्मक वर्गीकरण चिंतन में? तो आप उसे किस उसमें रखेंगे बताइए। एक विद्यार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत कर देता है, तो आपके चिंतन, जब गलत सही का सीधा आंसर दे रहा है ना, गलत और सही को सीधे सीधे बता रहा है, गलत है सही है, इसका मतलब उसमें ना तो संभावनाएं उसे समझ में आ रही हैं, ना वो उसमें बहुत गहराई से सोच रहा है। सीधा किसी चीज़ को या तो गलत कह जा रहा है या सही कह रहा है, इसका मतलब वो नगण्य चिंतन है। नगण्य का मतलब है ना के बराबर सोच पा रहा है, सीधे किसी चीज़ को गलत सही बता रहा है और उसमें उसकी कोई तर्क नहीं है कि कोई गलत चीज़ है तो क्यों गलत है, कोई सही है तो क्यों सही है। अगर सही और गलत का निर्णय करते समय वो कोई तर्क नहीं दे पा रहा है, सीधे गलत को गलत कह रहा है, अब ये पता भी नहीं गलत है कि नहीं है, लेकिन उसके पास कोई तर्क नहीं है, तो चिंतन किस वर्ग में रखा जाएगा? नगण्य चिंतन के इस वर्ग में रखा जाएगा। मतलब वो चिंतन करना नहीं जानता या अपरपक्व थिंकिंग है, इमैच्योर थिंकिंग है। कैसी थिंकिंग है? इमैच्योर थिंकिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्याओं के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। क्या कहा गया? एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्याओं के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्याओं वाले प्रश्नों को जवाब देने को कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षण की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है, कैसे बताइए? कैसे पता लगा सकते हैं? आपको सही तरीका बताना है, आपको राइट तरीका बताना है, जो भी आपको राइट आंसर लगता है।
क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल या तो पहले सम संख्या के बारे में जवाब पूछे गए, फिर उससे विषम संख्या के बारे में जवाब पूछे गए, फिर ये प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके और परीक्षण में विश्वसनीयता का पता लगाना है, तो ऐसा हम क्या करें कि बच्चों में है ना विश्वसनीय मूल्यांकन हो जाए, ऐसा हम क्या करें बताओ, ऐसा क्या हो जाए कि ये मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन बन जाए, ऐसा क्या हो जाए कि ये मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन बन जाए, बताइए बताइए आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर, आपको जो भी लगता है आप बता सकते हैं, आपको जो भी राइट आंसर लगता है आप बता सकते हैं, आपको क्या राइट आंसर लग रहा है, क्या लग रहा है आपको बताइए, हाँ जी जो भी आपको लगे आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या और सम संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इससे जुड़ा आंसर देना है, बताइए जो भी आपको लगता है आप बता सकते हैं। एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों ने केवल सम, इसमें अर्ध विभाजित है, समतुल्य प्रकार है, जांच पुनः पर जांच है, या वैकल्पिक प्रकार के शिक्षक, क्या आपको राइट आंसर लगता है, आपको जो सही आंसर लगता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक शिक्षक, जांच पुनः जांच परीक्षण, समतुल्य परीक्षण या जांच समतुल्य परीक्षण, मतलब तुलना करके विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समतुल्य परीक्षण। ठीक है, अब चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, शिक्षार्थी से पूछता कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक क्या है ना शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न किसका है, नियंत्रित है, आलोचनात्मक है, या छलात्मक है, या अप्रासंगिक है, बताइए। क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा गया है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें बताना है, 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित, हालांकि इसका क्वेश्चन गलत हो गया, इसका आंसर ये माना है आयोग ने ना बेटा, इसका आंसर राइट ये लगा दो तुम, चलिए इसका देखते हैं। शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना कि क्या आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हो, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न कौन सा है, शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न किस प्रकार सा, किस प्रकार का प्रश्न है, इसका मतलब ये पूरी तरह से बच्चे से जानना चाहता है, उसे नियंत्रित है, अपने तरीके से क्वेश्चन पूछा है, उसने बच्चे के कोई इस विशेष उद्देश्य यानी बच्चे में किस प्रकार की समझ है उसको जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछता है, कि विद्यार्थी से पूछता है क्या आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हो, इसका मतलब बच्चा क्या जवाब देगा ये पूरा अपने नियंत्रण में है, और अपन उसको क्या करेंगे, आलोचनात्मक नहीं है, छलात्मक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, नियंत्रित प्रश्न है और आपको इसका राइट आंसर देना है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, है ना, पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित होगा, है ना, कौन सा कथन अनुचित होगा, तो देखिए पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में निश्चित विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई
बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति कार्य आसानी से कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है जो उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो अनुचित होगा, अनुचित का मतलब गलत होगा, है ना, गलत होगा। तो बताइए, देखो इसका जो प्रयोग होता है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता क्योंकि ये सैद्धांतिक होता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका सी, क्योंकि सैद्धांतिक होता है व्यवहारिक नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण यानी कम करने में सबसे प्रभावी माध्यम है? जो समाज की बुराइयाँ हैं उनको कम करने में सबसे बड़ा रोल कौन सा अदा करेगा? सामाजिक बुराइयों में सबसे ज़्यादा रोल अदा कौन सा करेगा? सामाजिक बुराइयों में सबसे ज़्यादा रोल अदा कौन सा करेगा, बताइए? सामाजिक बुराइयों में सबसे ज़्यादा रोल अदा कौन सा करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के नवीनीकरण में यानी कि सामाजिक बुराइयों को सुधारने में, तो सार्वभौमिक शिक्षा यानी यूनिवर्सल जो शिक्षक है ये सबसे सही तरीका होगा आपकी सुधारने का। यूनिवर्सल प्रोसेस जो है सही तरीका, जो सत्य है वो हर हाल में सत्य होता है, है ना, हर हाल में सत्य होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। यानी सत्य के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है उसको बनाना, ये सही तरीका हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षण योजना है कि परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि, तो आपको ये बताना है कि परिवर्तन जो सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से कैसा माना जाता है, परिवर्तन जो है ना सामाजिक दृष्टि से कैसा माना जाता है, जो परिवर्तन है वो सामाजिक दृष्टि से कैसा माना जाता है। आपको जो भी सही लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी सही लगता है आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन इसमें, कि परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से उत्तम शिक्षा योजना है, उत्तम शिक्षण योजना है, उत्तम शिक्षण योजना है। तो जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं। क्या लगता है देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, जो भी आपको सही आंसर लगता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं, जो भी आपको सही आंसर लगता है आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लगता है, इन सिद्धांत के अपनाइए कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए, कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिक की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो तीसरा ऑप्शन खुद ही कह रहा है कि हम ही सही आंसर आपके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा आपका, इसका राइट आंसर माना जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अब रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली मतलब स्वयं पर केंद्रित परीक्षा प्रणाली, स्वयं से, है ना, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली से आपका क्या आशय है? इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकता है, स्वकेंद्रित है शिक्षार्थी अनुशासित नहीं रहेगा। इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन कर कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तो क्या विचार है आपका, देखो दूसरे परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये सही लग रहा है। इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। राइट आपका कौन सा है, ये क्या है, विषय में आपका क्या है? मतलब स्वकेंद्र परीक्षा मतलब एक ही जगह परीक्षा, जहाँ आप पढ़ रहे वहीं परीक्षा केंद्र हो, तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ से समायोजन करने में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा उन्हें, है ना, बच्चों को कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है? प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है? प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है? जो प्रजातांत्रिक वातावरण होता है ना उसकी प्रमुख भूमिका क्या होती है, बताइए? जो प्रजातांत्रिक पर्यावरण होता है, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बहुमुखी मतलब बहुत सारी युक्तियाँ, व्यक्ति आपकी और बहुत सारी क्षमताएं विकसित होती हैं। विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, विद्यार्थियों में अपेक्षित वृत्तियों का विकास होता है, विद्यार्थियों के द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन होता है,
विद्यार्थियों में स्वास्थ्य आदतों का निर्माण होता है। तो याद रखना, इसके द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्य पर्यावरण अगर होगा तो विद्यार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व विकसित होगा, यानी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बच्चा बनेगा। कैसा बनेगा? वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बच्चा बनेगा, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बच्चा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर क्या है? एक सार्वजनिक क्षमता जिसके सारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। एक सार्वजनिक क्षमता, एक ऐसी सार्वजनिक क्षमता मतलब सब में होती है जो क्षमता, मतलब कॉमन योग्यता, जिसके सारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है, यह कौन सी क्षमता को दर्शाता है? बताइए ये कौन सी क्षमता को दर्शाता है? मतलब सब में पाई जाती है सार्वजनिक क्षमता, मतलब सब में पाई जाती है ऐसी क्षमता। तो ऐसी क्षमता जब सब में पाई जाती है तो इस क्षमता का नाम बच्चे हम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं इसका? बुद्धि कह देते हैं इसे। क्या कह देते हैं इसे? बुद्धि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि किसी एक योग्यता या क्षमता का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी योग्यताओं का योग है बुद्धि, बहुत सारी योग्यताओं का योग है बुद्धि। तो आपको यहाँ तक समझना है। चले आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी, है ना, सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया को अनुक्रिया से जिसमें जोड़ा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ये दो प्रकार की क्रियाएं बताई थी, एक बताई थी प्रतिवादी अनुक्रिया। क्या बताई थी? प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया, और एक बताई थी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, एक बताई थी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, एक बताई थी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ये दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई हैं, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर प्रतिवादी क्या होती है? जिसमें उद्दीपक स्पष्ट होता है, प्रतिवादी मतलब जिसमें उद्दीपक स्पष्ट होता है लेकिन क्रिया अनैच्छिक होती है, जिसमें उद्दीपक अस्पष्ट होता है लेकिन क्रिया ऐच्छिक होती है। तो क्रिया इच्छा से होती है वो कौन सी है? जिसमें क्रिया इच्छा से नहीं होती है वो प्रतिवादी है। तो उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती है, उद्दीपक द्वारा क्रिया उत्पन्न होती है, या अस्पष्ट उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती है, या ऐच्छिक रूप वाले उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होती है, इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो आप बताइए, तो आप देख लेना, प्रतिवादी मतलब होता है स्पष्ट उद्दीपक के द्वारा जो क्रिया होती है, तो स्पष्ट उद्दीपक के द्वारा जो क्रिया होती है उसे हम प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं। स्किनर ने इसका संबंध पावलोव की रूढ़िगत विचारधारा से जोड़ा था, जबकि क्रिया प्रसूत को एक नया अंदाज में बताया था, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। चलिए, तो आज का सेशन जो है, आज के सेशन को एंजॉय आपने किया, और आप एक काम करना, बढ़िया तरीके से इस क्लास को शेयर कर देना, और जो बच्चों को अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर देना। आज जो आपका त्यौहार है इसको बहुत अच्छे से मनाइए, 18 तारीख जो आज आपकी त्यौहार के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इसे मनाइए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज के लिए इतना ही, नमस्ते धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्ते धन्यवाद, ठीक है, राधे राधे।